Bye, Ridhan. Look at here. Bye. Give me frank kiss, Ridhan. Bye. सो गाइस रिदान स्कूल चला गया है एंड वेदर देखिए कितना ही खराब वेदर है ना, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है पर वेदर देख के लग रहा है कि कितनी ठंडी और कितना ये है। यहाँ का वेदर से तो मैं अलग ही परेशान हूँ। सो गाइस चलिए आज मैं आपके साथ वेलकम कर देती हूँ, पहले वेलकम टू माय चैनल। एंड यस आज मैं आप फ्राइडे ये वीडियो मंडे आएगा आपके पास। एंड यस वेदर अच्छा है, बाहर बैठने का ही मन कर रहा है, तो घर का काम भी करना है, बहुत सारे काम है। रिधान चला गया है स्कूल एंड मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ। लेट्स ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग, ब्लॉग छोड़ के नहीं जाने का। सो मैं यहाँ पे रूम ठीक करने आ गई हूँ, बेड वगैरह ठीक किया, फटाफट से बेडशीट चेंज करना था आज तो बेडशीट भी चेंज किया। एंड फिर किचन में चली गई, किचन में जितने रात के बर्तन क्लीन करके रखा था वो सबको जगह पे रखा, किचन को सब साफ़ सुथरा किया, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी की। तो फटाफट से ये काम हो गया मेरा। एंड ये काम करना ना मुझे बहुत कंटाला था, सब सामान को जगह पर रखो। सो ये हो गया, अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पति देव के लिए सिंपल सा सैंडविच बनाया था जिसमें एवोकाडो बटर एंड लेटिस एंड कुछ स्वीट चिलीज़ रखा था एंड उसको ग्रिल कर दिया था, तो ये बहुत यम और बहुत हेल्दी हो जाता है एंड इसको ग्रिल करके बहुत टेस्टी होता है और एक सैंडविच बहुत देर तक फुलफिल रहता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। एंड फिर मैं पति देव को ब्रेकफास्ट दे के मैं नहाने चली गई, नहा कर आई। सो गाइज मेरा पूजा वगैरह हो गया है एंड अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ भी दिया जला दिया है एंड अब जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैं भी अपने लिए सैंडविच बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ कैसा बनाती हूँ मैं अपने लिए सैंडविच, स्पेशल वाला। मैं अपने लिए बिल्कुल स्पेशल वाला सैंडविच बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी गाइज। इसमें फटाफट से दिखा देती हूँ अपनी सैंडविच। तो एक ब्रेड में मैंने ग्रीन चटनी लगा दिया एंड इसके ऊपर पनीर की स्लाइसेस डाल दी एंड ये पति देव की सैंडविच की दो स्लाइस बची थी स्वीट चिली की वो डाल दी एंड ये लेटन्स को डाल दूंगी एंड बस हो गया ये मेरा सैंडविच रेडी। एंड इसको बस ग्रिल कर दूंगी, मैं बटर यूज़ नहीं कर रही एंड इसको बस ग्रिल कर देना है। ग्रिल स्टार्ट तो करूं पहले, ये इसका है, जब तक सैंडविच ग्रिल होता है मैं कोल्ड कॉफ़ी आज बनाने का सोच रही हूँ विदाउट मिल्क। सो चलिए एक रेसिपी देखी हूँ वो ट्राई करती हूँ। सो गाइस मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो भूल गई, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल शुगर एंड कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने रखा है कुछ आइस, आइस इस पर डाल दूँगी। मैंने अभी 3 क्यूब्स डाला है इसके, तो इसको पहले ग्राइंड करके देखती हूँ, मतलब चला के देखती हूँ ये क्या होता है, उसके बाद बाकी डाल। तो ये अभी कुछ ऐसा हो गया, इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। तो गाइस बन गया कोल्ड कॉफ़ी विदाउट मिल्क, बहुत बढ़िया। एंड इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए मैं क्रीमर भी ऐड करूँगी, बस बस बिकॉज शुगर ऑलरेडी ऐड किया, नेक्स्ट टाइम से मैं शुगर नहीं ऐड करूँगी। और इसको थोड़ा डेकोरेट करती हूँ, गेट रेडी। एंड ये पहले दे देती हूँ पति देव को और लेती हूँ रिएक्शन। तो आप चाहो तो आइस भी ऐड कर सकते हो, पर हम कोल्ड की वजह से आइस नहीं ऐड कर रहे। कैसा लग रहा है विदाउट मिल्क है? वेरी नाइस। आइस चाहिए और हाँ नहीं चाहिए आइस? एंड ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट सैंडविच एवोकाडो एंड कोल्ड कॉफी। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूंगी, आप ब्लॉग में बने रहिए, जैसे लोग बोलते हैं ना ऐसे ब्लॉग में बने रहिए जैसे कुछ डायमंड एंड गोल्ड देने वाले, पर मैं ऐसा कुछ नहीं, अब ब्लॉग को कंटिन्यू करना। चलो इधर कपड़े भी पड़े, इसको फोल्ड करना है, तो ब्रेकफास्ट के बाद करूँगी। मेरे घर पर एक चोर पकड़ा गया, इसे मिक्सचर चोर, शर्म नहीं आता जानू आपको, नहीं आता चोरी करने में? हाँ हाँ
चोर तो खुद के घर में कौन चोरी करता है। अब मैं बालकनी में अपने प्लांट्स को ठीक करने के लिए आ गई हूँ, तो कुछ अच्छे से उसको आज थोड़ा मिक्स भी किया मैंने एंड जो ड्राई लीव्स थे उसको भी निकाल। मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने एंड लंच में आज मैं बना रही हूँ प्रॉन, तो आपको बताती हूँ रेसिपी मेरी। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन को मैरिनेट करके रखा है मैरिनेशन के लिए। इसमें मैंने डाला हल्दी, नमक, मिर्ची एंड लेमन, उसे मैरिनेट करके रख दिया है क्लीन करके, एंड बाकी प्रोसेस आगे दिखाती हूँ। वो यहाँ पे मैंने मसाले के लिए रखा है 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च छोटी वाली एंड बड़ी 1 स्पून जीरा खड़ा एंड 1 धनिया जिसके हम कोरिएंडर शीट कहते हैं, वो 3 लहसुन की ये क्या बोलते हैं इसको कलियाँ जो भी बोलते हैं एंड 1/2 अनियन क्योंकि मेरे पास प्रॉन कम है अभी। सो एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले लीजिएगा। तो ये 1/2 है, ये 1 है एंड ये 1 है, ठीक है। एंड अदरक लेना है इसमें, अदरक मैं दिखाई नहीं, अदरक निकालते हुए। सो ये अदरक ले लिया है मैंने, अदरक थोड़ा ज़्यादा लेना है एंड ये सब कुछ जार में कन्वर्ट करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। एंड मीन वाइल मेरी यहाँ पे कढ़ाई रेडी है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना है, बिल्कुल अच्छा गर्म। अभी कढ़ाई तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गई, बिल्कुल धुआं निकल रहा है, तो इतनी गर्म नहीं तो प्रॉन क्या ना आपके बर्तन में सटेगा, इसलिए पूरे अच्छे से गर्म करके प्रॉन को फ्राई करना है। सो प्रॉन फ्राई हो गए हैं, यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया इसमें और तेल में मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में जीरा, कलौंजी एंड थोड़ी सी राई है बिल्कुल, और उसके बाद डालूँगी उस पर तेज पत्ता। एंड अब मैं मसाले में तेल में ही हल्दी पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, उससे मसाले का कलर ना काफ़ी अच्छा आता है। एंड अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हींग एंड जो मसाले को ग्राइंड किया था आप देख सकते हो ये, उसको ऐड कर दूंगी, इसे थोड़ा सा ढक दूंगी। सो गाइस जब कुकिंग वीडियो शूट होता है ना तो ऐसे पूरे चीज़ कुछ ना कुछ गिरना ज़रूरी है, तो ये मेरा पूरा जीरा गिर गया। सो गाइस आप देख सकते हो कि मसाला पूरा ऑयल छोड़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे 1 टमाटर छोटा छोटा काट के रख लिया है, तब इसमें ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसको ग्राइंड करके भी पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हो, पर मैं कट करके ऐड कर रही हूँ। एंड इसको थोड़ी सी चलाने के बाद, मिक्स करने के बाद इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, तो सॉल्ट आप सोच समझ कर ऐड करना बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रॉन में सॉल्ट ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट इसमें ऐड करना। थोड़ा देर इसको चला लेंगे और उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड इसको अच्छे से चला लेना। तो गाइस इसमें मैंने अभी डाल दिया है 1 फ्लेक्कर के ग्रीन चिली एंड कसूरी मेथी एंड इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो गाइस मसाले पूरी तरह से भून गए हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो मैंने पानी माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है एंड उसको ऐड कर दिया। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करो। तो गाइस मैंने इसमें प्रॉन ऐड कर दिया है एंड इसमें अब मैं 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला ऐड करके कर दूंगी एंड चलाऊंगी एंड थोड़ी देर 5 से 7 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। रीधान देखो वो जा रहा खेल ले, उसे सुनाई नहीं दे रहा। रीधान बाय। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा शॉपिंग करने और फ्राइडे भी है तो मन नहीं लग रहा था, तो हम सोचे थोड़ा बाहर चले जाते। तो रिधान को पहले मैं लेके आती हूँ, वो खेलने गया है एंड उसका कपड़ा गाड़ी में ही रख ली हूँ, वो राजेश लेकर आ जाएंगे, तो पहले मैं फटाफट उसे लेकर आती हूँ, हम दोनों रेडी हैं तो लेकर आती हूँ गाइज। तो आज हम जाएंगे वॉलमार्ट, तो हम वॉलमार्ट आ गए हैं शॉपिंग के लिए, हमारा बिग बाजार, इंडिया का बिग बाजार है ना राजेश।
बाप बेटे ने येलो येलो कॉम्बिनेशन किया आज। सो अपनी शॉपिंग हो गई है, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी क्या क्या हमने लिया वॉलमार्ट से। एंड अब हम जा रहे हैं डोमिनोज। कहाँ जा रहे हैं? डोमिनोज। डोमिनोज फॉर एक्स्ट्रा चीज एंड चिकन पिज़्ज़ा। ओह माय गॉड, फॉर एक्स्ट्रा चीज एंड चिकन पिज़्ज़ा के लिए हम डोमिनोज जा रहे हैं। सो आज मेरी फुल छुट्टी है एंड मेरी देवी ने आज मुझे वो शॉपिंग भी करा दी है। थैंक यू थैंक यू। तो गाइज हम यहाँ पे आ गए हैं डोमिनोज एंड यहाँ पे बहुत सारे लैब बर्गर, बेकर्स एंड डोनट्स, क्रेजी वेपर, हेयर कट्स, एक्सप्रेस चाइना, बहुत कुछ है। एंड पीछे रिधान भी सो चुका है, वो थक गया था बहुत आज। तो आज मैं आपको दिखाने वाली आज है ना वो खुश खुश खुश। सो या लेट्स फटाफट आपको एक मिनी हॉल दिखा देती हूँ। तो ये हमने वॉलमार्ट से लिया पालक, आलू बोल रही हूँ, एप्पल, फिश, कैरेट, पेयर, बनाना, ऑरेंज एंड ये लिया है लोफा केक। एंड आपको बाकी चीज़ बाद में दिखा दूँ। सो इस बार हमने हैंडमेड पैन मंगवाया है डोमिनोज का फर्स्ट टाइम। एंड ये बहुत ये देख दोनों के साथ स्लाइसेस हैं। तो एंजॉय करते डिनर। तो गाइस यहाँ पे सो गाइस तो मैं फाइनल चीज़ दिखाती हूँ जिसके लिए मैं बहुत खुश थी। ये है स्ट्रेटनर, तो रेवलॉन का स्ट्रेटनर लिया है मैंने। तो अभी ये ट्राई करूँगी पहले कैसा है। फर्स्ट टाइम लिया है, रिव्यू तो अच्छे थे इसके, 5 रेटिंग थे। एंड ये रिधान के लिए एक ब्रश लिया हमने। फिर आज थोड़ा हेयर के प्रोडक्ट्स हमने ज़्यादा लिया है। यहाँ पे गार्नियर का हमने एंटी फ्रीजी सीरम लिया। फिर मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे तो ब्यूटी एंड प्लैनेट का मैंने शैम्पू लिया एंड कंडीशनर। तो ये मैं पहले भी ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी इसलिए मैंने ये लिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, अभी फिर से यूज़ करूँगी। एंड एक ये लिया है ब्रेड शीन स्प्रे, टेंशन रिलीफ एंड शाइन कुछ ऐसे करके है, डीप कंडीशनिंग, तो हेयर फॉल की वजह से ये भी लिया। तो बस ये शॉपिंग है। सो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। अब मैं जा रही हूँ सोने, बहुत थक गई हूँ। सो गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल।